एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे। आज जो मैं एक सब्जी लेके आई हूँ, ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है और ये सीजनल है। शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जानते होंगे। इस सब्जी का नाम है लसौड़े के फूल की सब्जी। जो जानते हैं उनको एक अच्छी सी रेसिपी मिलेगी और जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के थ्रू जान जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं लसौड़े के फूल की सब्जी। तो जैसा कि आज की रेसिपी का नाम है लसौड़े के फूल की सब्जी, तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है। ये देखिए, इस तरीके से ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको कि तोड़ के रखा जाता है। और थोड़ा सा मैंने आपके लिए ये रखा भी हुआ है। देखिए, ये ऐसे आता है बाजार में, देखिए। और ये सीजनल है, ये होली के आसपास ही आता है और फिर तुरंत मार्केट से ये गायब भी हो जाता है। और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है आलू और लसौड़े के फूल की। तो हमने ये लसौड़ा ले लिया है, ये पाव भर है, ये दो टमाटर हैं बारीक कटे हुए हैं, ये छोटा आलू है उसको काट लिया है, ये एक प्याज है, दो हरा मिर्चा और ये 10 कली है लहसुन की जो मैंने बारीक काट लिया है। अब मसाले में देख लेते हैं क्या क्या लगेगा। नमक, जीरा, लाल मिर्चा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये गरम मसाला और बनाने के लिए ये सरसों के। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा ली थी, 5 मिनट पहले ही गरम हो गया है। अब हम इसमें सरसों तेल डालेंगे 2-3 चम्मच, 2-3 बड़े चम्मच हम इसमें सरसों तेल डाल देंगे। तो चलिए अब हम इसमें जीरा डाल लेते हैं। तेल गरम हो गया है, ये देखिए बढ़िया से तेल गरम हो जाना चाहिए। ये देखिए जीरा भी, अब ये 2 मिनट लगेगा, जीरा लाल हो जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, ये सीजनल है, सीजनल चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि सीजनल सब्जियां, सीजनल फल ज़रूर खाना चाहिए। बहुत से लोग, हो सकता है कि शायद इसको ना जाने, लेकिन लसौड़े तो सब जानते हैं, उसी का ये फूल है। ये देखिए जीरा ये पूरा लाल हो गया है। अब हम इसमें, ये देखिए जो मैंने ये लहसुन काट के रखा हुआ वो डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे और ये प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा हम लाल करेंगे, जलना नहीं है, बस हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो देखिए ये प्याज हमारे लाल हो गए हैं। अब हम इसी स्टेज पर ये आलू भी डाल देंगे। आलू के मैंने छिलके नहीं उतारे हैं क्योंकि अभी छिलके बहुत ही पतले आ रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं उतारा। अब थोड़ा सा हम ये आलू भी लाल कर लेंगे। ये देखिए आलू लाल हो रहे हैं। अब हम इसी स्टेज पे ये जो हमने 2 बारीक टमाटर काटे थे वो डाल देंगे। ये जो हमने लसौड़े धो के रखे हैं उसको भी डाल देंगे। हमारे पास जितने मसाले हैं जो घर में होते हैं, बिल्कुल धनिया पाउडर ये मेरे पास ख़त्म ही हो चला है, तो सारा डाल देते हैं। मिर्ची आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने कम ही डाला है। ये है नमक, अकॉर्डिंग टू यू कम ज़्यादा। ये हल्दी और ये हल्का सा गरम मसाला होम मेड। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये सब्जी है, बहुत ही टेस्टी। देखिए ये मैंने सारा अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि टमाटर, आलू
सब अच्छे से गल जाए और इसको हम ढक दे रहे हैं। जब तक ये सब्जी बनेगी मैं झटपट पराठा तैयार कर लेती हूँ। इसके साथ पराठा बहुत टेस्टी। तो चलिए 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं क्या हाल है। देखिए सब्जी हमारी लगभग तैयार हो गई है, टमाटर भी गल रहे हैं और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। बस थोड़ी देर और अगले 5 मिनट, उसके बाद हमारी ये सब्जी तैयार हो गई है। मैंने पराठा भी बना लिया है। तो अगले 5 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ इसको ढकने के बाद। 5 मिनट्स लेटर। चलिए अब देख लेते हैं सब्जी हमारी रेडी हुई कि नहीं हुई। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है, बढ़िया से आलू टमाटर सब गल गए, ये देखिए। चलिए अब आपको मैं इसकी थाली लगा के दिखाती हूँ। तो चलिए देखिए मेरी थाली तैयार हो गई है, पराठा, दही, लसौड़ा की फूल की सब्जी और ये है आम का अचार। मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए, आइए आप लोग भी खा लीजिए। इस सब्जी को जरूर से बनाइए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।